अब आपने अनबॉक्सिंग तो इसकी देख ली, बारी आती है यहाँ पे इसके फर्स्ट इंप्रेशन निकालने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजाइन की बात कर लेते हैं। इधर डिजाइन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन बनाया है कंपनी ने, जीटी कार से इंस्पायर्ड डिजाइन है। कंपनी कह रही है कि हमारा जो जीटी एडिशन है वो जीटी कार से इंस्पायर्ड है, और ऐसे ही ये भी है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेसिंग स्ट्रिप्स डिजाइन मिल जाता है। रियलमी डे टू लीप साफ तौर पर इसके ऊपर लिखा हुआ है, और आप नोटिस कीजिएगा कैमरा मॉड्यूल जो है वो थोड़ा पहले जैसा ही है। थोड़ा बहुत अगर आप गौर करेंगे तो वन प्लस की झलक भी देखने को मिलती है कैमरा मॉड्यूल में, हालांकि अलग है बट थोड़ा बहुत यू नो झलक दिख जाती है। पर लुक वाइज काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो बैक पैनल है ये मैट फिनिश वाला एजी ग्लास है, एंटी ग्लेयर ग्लास दिया गया है, और ओवरऑल लुक काफी इंप्रेसिव है। यूनिबॉडी डिजाइन नहीं है, मेटल फ्रेम साइड्स में आपको मिल जाता है। इधर आप पूरी तरह से इसके लुक देख सकते हैं, काफी लाइट वेट हैंडी स्मार्टफोन है, ग्रिप अच्छी मिल जाएगी इसमें आपको। ऊपर की तरफ देखिए माइक्स और स्पीकर्स मिल जाएंगे, इस तरफ आपको वन लॉक की मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखिए सिम ट्रे दी गई है, और माइक दिया गया है एक, इसके साथ साथ टाइप सी पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल भी मिल जाता है। एक बार सिम ट्रे खोल के देख लेते हैं। सिम ट्रे देखिए, दो सिम कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया, और इस तरफ पावर बटन मिल जाता है। ओवरऑल लुक काफ़ी शानदार है फ़ोन की, और देखने में काफ़ी इंप्रेसिव सा लग रहा है। डिस्प्ले भी लुक्स का पार्ट होता है, और इसलिए अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ भी आपको फोन बहुत पसंद आने वाला है। जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का है, और गॉड ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाती है। सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। पंच होल है, बेजल्स देखिए छोटे छोटे बेजल्स हैं, नीचे चेन भी काफ़ी स्टीक सा है, छोटा सा पंच होल है। लुक वाइज काफ़ी इंप्रेसिव लगने वाला है डिस्प्ले भी आपको। एक बार मैं मेन्यू में जाके आपको डिस्प्ले के कुछ सेटिंग्स दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखिए डार्क मोड ऑप्शन, ऑटो ब्राइटनेस ये सब तो कॉमन है, मिलता ही है। ब्राइट HDR वीडियो मोड का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट सिलेक्ट कर सकते हैं 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के बीच में। 90 हर्ट्ज का ऑप्शन नहीं दिया गया, और ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है, अपने आप ये जो है अपने आप सिलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्लेज में जाके देखते हैं, इधर आप ये डिस्प्ले अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको डिस्प्ले में मिल जाते हैं। वहीं अबाउट के सेक्शन में जाके देखें तो इधर आप देखिए GT Neo 3 150 वॉट दिखेगा, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, डायमेंसिटी 8100 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ साथ 12 GB की रैम दी गई है, जिसको आप 3 GB और एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड्रॉयड 12 है आउट ऑफ द बॉक्स। और सॉफ्टवेयर सेक्शन में भी जाके मैं आपको दिखा दूँ कि सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देखिए रियलमी UI 3.0 इसमें आपको मिल जाता है। तो पूरी तरह से पावर पैक्ड स्मार्टफोन कंपनी ने लॉन्च किया है, दमदार फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। वहीं मैं डिस्प्ले में आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इस पर 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, बट कंपनी कह रही है कि जब आप गेम वगैरह खेलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1000 हर्ट्ज तक बूस्ट करेगा। ऐसा पहले भी आपने दूसरे स्मार्टफोन में देखा है। इसके साथ साथ जो बेजल्स हैं वो रियलमी के अब तक के सबसे थिनेस्ट बेजल्स हैं, ऐसा कंपनी का कहना है कि अब तक के सबसे थिनेस्ट बेजल्स हैं फ्रॉम रियलमी। बट एनीवे अब हमने प्रोसेसर जान लिया, हमने डिस्प्ले जान लिया। बैटरी आपको बता दूं कि इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, और 150 W चार्जिंग स्पीड है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। बट अब कैमरास का क्या, ये सबसे बड़ा रहस्य था अभी तक इस वीडियो में, लेकिन वो रहस्य अभी ख़त्म कर देता हूँ। 50 MP का आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाता है, सोनी का IMX766 सेंसर दिया गया है। बॉक्स के पीछे ही आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है OIS कैमरा, सोनी IMX766 50 MP का सेंसर इसमें दिया गया, जो कि हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, फोटोग्राफी मामले में काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। इसमें कुछ मोड्स आपको मिल जाते हैं, नाइट मोड है देखिए, स्ट्रीट मोड है, वीडियो मोड है, वीडियो में क्या क्या ऑप्शन है, 4K का ऑप्शन दिया गया है वीडियो में आपको। इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, 2x डिजिटल जूम का सपोर्ट है, 50 MP मोड। मोर में जाके देखते हैं, यहाँ पे देखिए अल्ट्रा मैक्रो प्रो मैनो पैनो के साथ साथ पहले प्रो देख लेते हैं। प्रो में ओके वाइड भी कर सकते हो, रॉ भी शूट कर सकते हो, वीडियो को प्रो नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा। और मोर में और जाके देखते हैं, फिल्म स्लो मो टाइम लैप्स स्टिल शिफ्ट टेक्स्ट स्कैनर डुअल व्यू वीडियो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से डिसेंट लग रही है, शटर स्पीड काफ़ी सही लग रही है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 MP का फ्रंट शूटर आपको मिल जाता है। हेलो शटर स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, फ्रंट वीडियो देख लेते हैं, सॉरी तो 1080p का ऑप्शन ही मिलता है फ्रंट में। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कंपनी आजकल अपने फ्लैगशिप फोन में 1080p सपोर्ट दे रही है, 4K क्यों नहीं दे रही।
पता नहीं इसमें भी आपको 4K का ऑप्शन फ्रंट में नहीं मिलता। तो ओवरऑल काफी दमदार स्पेक्स के साथ कंपनी ने इस फोन को लॉन्च किया है, कई सारे इंप्रेसिव फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वन प्लस के स्पेक्स से मिलता जुलता फोन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वन प्लस 10R से इसका कंपैरिजन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।